दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होबर्ट हरिकेन्स वर्सेस सिडनी थंडर के मैच विनर के बारे में और फ्यूचर के बारे में। तो गाइस फ्यूचर के बारे में बात करने से पहले आप सभी को बता देते ज्वेल क्रिकेट लाइव में हमसे मेरे टेलीग्राम चैनल है, लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ था। अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ तो वहाँ जाकर ज्वाइन करना। आपका लोसनी होगा पॉपर गेम होगा। तो गाइस लोसनी जन के बीच में सोचना पॉपर गेम बना। तो गाइस पहले अपन बात करेंगे अपने टीम फॉर्म के बारे में। तो गाइस हम लास्ट के 5 मैच होते हैं उसमें से होबर्ट हरिकेन्स ने 2 मैच विन किए, 3 मैच उसका लूज गए। इधर बात करेंगे अपन सिडनी थंडर के बारे में। सिडनी थंडर ने गए यहाँ पे 2 मैच लूज गए, 3 मैच उसने विन किया, मतलब कि यहाँ पे सिडनी थंडर का पलड़ा ज़्यादा भारी है। बात करेंगे हेड टू हेड के बारे में। हेड टू हेड में लास्ट के 10 मैच हो तो उसमें से होबर्ट हरिकेन्स ने 4 मैच विन किए और सिडनी थंडर ने 6 मैच विन किए, मतलब कि यहाँ पे सिडनी थंडर का पलड़ा ज़्यादा भारी है। पिच पर की बात करेंगे तो इस पिच पर गाइस जो फर्स्ट बैटिंग पर टीम आएगी उसके 57% विन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जो सेकंड बैटिंग पर टीम आएगी उसके 41% विकेट विन होने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो गाइस जो फर्स्ट बैटिंग पर टीम आएगी उसके विन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बात करेंगे पेस वर्सेस स्पिन के बारे में। तो गाइस जो तेज बॉलिंग करेगी उसके 57% विकेट लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी। स्पिन बॉलिंग करेगी यानी धीरे बॉलिंग करेगी उसके 43% विकेट लेने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो गाइस यहाँ पर जो तेज बॉलिंग करेगी वो विकेट ज़्यादा रहेगी, इसके लिए ध्यान से भी मैच देखना पड़ेगा। कौन से टीम तेज बॉलिंग कर रही तो आप उसी को फॉलो करना सपोर्ट करना क्योंकि उस टीम के विन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बात करेंगे अपन यहाँ पर अपनी फॉलो टीम सपोर्ट टीम क्या रहेगी। तो गाइस अब फॉलो टीम सपोर्ट टीम रहेगी होबर्ट हरिकेन्स। तो आप होबर्ट हरिकेन्स को फॉलो करना सपोर्ट करना। मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।